Well, we all know Sharmeen Obaid Chinoy, jinhone Oscar Award win karke roshan kiya Pakistan ka naam through her documentary Saving Face. Wo project to raha unka kafi successful and she gained worldwide recognition due to it. But ab wo kis project pe kaam kar rahi hain batate hain hum aapko is report mein. Famous Emmy and Oscar Award winning Pakistani documentary filmmaker Sharmeen Obaid Chinoy is planning to make her next 6-part documentary venture by the name of Ho Yaqeen. Sharmeen Obaid Chinoy, जिनका विजन है पाकिस्तान में कुछ पॉजिटिव चेंज लेकर आने का, खास तौर पर पाकिस्तान की खवातीन के लिए कुछ नहीं बहुत पॉजिटिव करना थ्रू हर डॉक्यूमेंट्रीज. बहुत सी दूसरी पाकिस्तानी खवातीन की तरह खवातीन के हकूक मंजरियाम पे लाने का बेड़ा उठाने वाली शर्मीन उबैद पहले अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म सेविंग फेस के जरिए पाकिस्तानी औरतों के मसाइल को इंटरनेशनली सामने लेकर आई. मैं सो रही थी तो अम्मी के घर में आया इस तरह, तो उसने मुझे जला दिया. तो उसने एक सेकंड नहीं लगाया, एक सेकंड में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी. So when I heard about the acid violence in my homeland, I said I must do something. ये वो कमरा है जिधर मुझे जलाया था. मेरी जिंदगी खत्म हो गई इस कमरे में. The time is very short right now. She needs surgery. But there is only so much I can do. I'm part of the society which has this disease. मेरी जिंदगी तबाह हो गई है और किसी को कोई सजा नहीं हुई, तो इसलिए हमने ये उसमें फैसला किया है उसकी कैद होनी चाहिए जिंदगी भर के लिए. मैं कह रहा हूँ डेथ सेंटेंस जिनके ऊपर गुजरी है उनसे कोई नहीं पूछ रहा है. मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह ताला का लाख दफा शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी जो ख्वाहिश थी वो पूरी होने वाली है. But now she is working on her latest documentary series by the name of Ho Yaqeen. Daniel and I want to dedicate this award to all the heroes working on the ground in Pakistan who are working for change. This is for you. Ye hai Pakistan, mera ghar, jahan bandooqon aur dhamakon ki goonj ne iske rehne walon ki awaazein daba di hain. Lekin in sab mushkilon ke bawajood har roz एक नया हीरो उभरता है, एक इरादा लेके तब्दीली की तलाश में. ये है इनकी कहानियां. जब हो यकीन. The unique part is that this documentary is not revolving only around women of Pakistan, because is dafa shayad Sharmeen ne socha hoga ki mulk mein change sirf khawateen hi ke huqooq ko ujagar karne se nahi balki aur bhi bahut se masail hain jin par roshni dalne ki zarurat hai. Ho Yaqeen is a 6-part documentary series which highlights the efforts of Pakistan's real heroes striving to make a better Pakistan, aur ye documentaries broadcast ki jayengi across 16 TV channels in 6 months simultaneously. ये डिटेल्स शर्मीन उबैद ने खुद रिवील की बाय कंडक्टिंग एन इवेंट फॉर हो यकीन प्रोजेक्ट. द स्क्रीनिंग इवेंट ऑफ शर्मीन उबैद चिनॉय'स हो यकीन प्रोजेक्ट वाज अटेंडेड बाय मेनी सेलिब्रिटी सिंगर्स एंड आर्टिस्ट्स. वेल, पाकिस्तानी हीरोज जिनमें यकीनन मर्द हजरात भी शामिल हैं, उनके काम को उजागर करना और एक बार फिर पूरी दुनिया को बताना दैट हाउ वी ऑलमोस्ट ऑल पाकिस्तानीज आर स्ट्राइविंग टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज नॉट जस्ट द लेडीज. वैसे अगर शर्मीन एक बार फिर अपने पुराने एजेंडा पर काम करती तो उनके इस बार ऑस्कर में नॉमिनेट होने के चांसेस जरा कम होते, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कुछ डिफरेंट और नया करने का. सो शर्मीन, वी रियली अप्रिशिएट योर डिसीजन ऑफ कमिंग आउट ऑफ योर शेल बाय अडॉप्टिंग अनदर येट यूनिक टर्न ऑफ प्रमोटिंग पाकिस्तानी हीरोज. वेल, हम तो यही चाहते हैं कि इस बार भी पाकिस्तान का नाम ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया जाए. सो वी विश यू अ वेरी गुड लक डियर. Well, अब बात करते हैं एक नए इंट्रोड्यूस होने वाले कल्चर की, और वो ये कि हमारे मुल्क में कुछ शोबे सेलिब्रिटीज ने अपना फ्यूचर सिक्योर किया सैलून्स ओपन करके या डिजाइनर्स बन के. वही कुछ म्यूजिशियंस ने अपना फ्यूचर सिक्योर किया सवाब कमा के, एंड दैट्स व्हाई दे आर वन स्टेप अहेड, यानी दुनिया में भी फायदा और आखिरत में भी. वेल, ये कैसे? In order to know this, you have to watch this report. The connection between music and politics has been seen in many cultures. Like, we have examples from Bollywood and Hollywood. जहाँ हॉलीवुड में ऑर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने संभाली सदारत कैलिफोर्निया के गवर्नर की हैसियत से, तो बॉलीवुड में भी अमिताभ बच्चन, रेखा, शत्रुघ्न सिन्हा और गोविंदा हिस्सा बने अपने मुल्क की पार्लियामेंट का. और ये ट्रेंड मौजूद है पाकिस्तानी शोबिज में भी. द ग्रेट पाकिस्तानी लेजेंड लेट मोहम्मद अली एंड मुसर्रत शाहीन एज़ वेल पार्टिसिपेटेड इन पॉलिटिक्स.
But now it is becoming a trend of our music culture as well. Musicians can run their state better than politicians. Well, ye hum khud se nahi keh rahe, balki hamare musicians aisa sochne par hame majboor kar rahe hain. Aur ye rujhan zyada tar dekhne mein aaya pop singers mein. एक के बाद एक पॉप सिंगर पहले तो एनजीओ स्टार्ट करते नजर आते हैं और फिर मुश्किलात का सामना करने पर हुकूमत को बुरा भला कहते हैं। हमारा मतलब है कि मुल्क की हालात और हुकूमत की कारकर्दगी पर अपना एनालिसिस पेश करते भी नजर आते हैं। लाइक आपने देखा द किंग ऑफ पाकिस्तानी पॉप एंड भांगड़ा म्यूजिक इब्रारुल हक को, जिन्होंने ओपन किया सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट हॉस्पिटल, अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग हेल्थ एंड एजुकेशन। सफर था कट ही गया, यकीन से भी सवाब मिलता है, जन्नत में घर तुम बना लो। सहारा बनो, सहारा बनो, सहारा बनो गरीबों का। Other than this, Sahara Medical College construction is also in process. और इसके बाद उन्होंने बना डाली यूथ पार्लियामेंट भी, जिसके हैं वो खुद चेयरमैन। By doing all these, he is setting a perfect example of being a social worker and now running all their projects tremendously. बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। इब्रारुल हक has decided to join Pakistan Tehreek-e-Insaf. PTI join करने का मशवरा तो दिया वसीम अकरम ने भी। Well, इस तरह सेलिब्रिटीज के मुँह से अपनी पार्टीज को ज्वाइन करने का मशवरा दिलवाने का आइडिया हमें अच्छा लगा बाय द रियल पॉलिटिशियंस। लेटर ऑन सोशल सिनेरियो में जलवागर हुए चॉकलेटी लुक्स वाले सिंगर शहजाद राय विद हिज जिंदगी, वी मीन जिंदगी ट्रस्ट दैट वर्क्स टू हेल्प चिल्ड्रन मेडिकली एंड एजुकेशनली। ही ओपन्ड अराउंड 12 स्कूल्स इन डिफरेंट एरियाज एंड ईच चाइल्ड विल गेट पेड लिटिल अमाउंट ऑफ मनी फॉर 3 आवर्स क्लासेस। आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने और तालीम को आम करने ही का बेड़ा उठाया फेमस सिंगर जवाद अहमद ने। व्हेन ही डिसाइडेड टू मेक कंट्रीब्यूशन इन द नेशन बिल्डिंग बाय एस्टैब्लिशिंग हिज तालीम फॉर ऑल ट्रस्ट। अकॉर्डिंग टू जवाद, अंडर तालीम फॉर ऑल ट्रस्ट प्रोग्राम फॉरेन स्कूल्स आर डूइंग देयर जॉब मार्वेलसली। वेल गाइस, ये था हमारा इस वीक का न्यूज बुलेटिन ऑफ रिपोर्ट 360। हमें सब्सक्राइब करने के लिए SMS R360 टू 8888। अगर आप समझते हैं कि आपके पास भी है कुछ इंटरेस्टिंग टू शेयर विद अस, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं report360@style360.tv पर, या फिर आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे विद द नेम report360। टिल नेक्स्ट एपिसोड, दिस इज योर होस्ट अलीहा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, बट यू टेक केयर एंड गुड बाय।